आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट एवं टी20 सीरीज का शानदार तरीके से समापन हुआ और दोनों ही सीरीज भारतीय टीम ने बड़े ही शानदार तरीके से अपने नाम की। अब दोनों देशों को 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में दो दो हाथ करना है। 23 मार्च से शुरू हो रही एक दिवसीय सीरीज के पहले मैच में भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है और कौन कौन से नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने वनडे सीरीज के लिए 3 नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिनमें एक बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर और एक गेंदबाज शामिल है। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, ऑलराउंडर कुणाल पांड्या और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पहली बार भारत की वनडे टीम में चुने गए हैं, लेकिन इनमें से दो ही खिलाड़ियों को पहले वनडे मैच में अपना वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिलने जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में फिट करना पसंद करेंगे। भारतीय टीम रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतर सकती है, जबकि कप्तान विराट कोहली का तीसरा स्थान पक्का रहेगा। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव को आजमाया जा सकता है। ऐसे में पांचवें स्थान पर KL राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में जंग हो सकती है। छठे नंबर पर ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे, जबकि सातवें नंबर पर मैच फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या का दावा पुख्ता है। गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम मैनेजमेंट भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा को मैदान पर उतार सकती है, जबकि युजवेंद्र चहल को भी प्लेइंग 11 में देखा जा सकता है। अगर भारत दो स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरता है तो फिर सिराज या कृष्णा का पत्ता कट सकता है। पहले वनडे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार हो सकती है, जिसमें रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। पहला वनडे कल यानी 23 मार्च को खेला जाएगा। खेल जगत की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।